और हम कुन्ना बना रहे हैं, चिन्योटी स्टाइल कुन्ना। ये शाताज जरा सा और प्याज है, अदरक लहसुन है, धनिया पाउडर है, लाल मिर्चों का पाउडर है, हल्दी है, नमक है, दैट्स इट। गोश्त है और ये ऑफकोर्स एंड में हम पानी के साथ मिक्स करके, आटा है यहाँ आधा कप आटा है, एंड देन दिस इज काला ज़ीरा, वो हम ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे। वेरी सिंपल रेसिपीज़, डेफिनेटली ट्राई करिएगा। अगर आपको जीतना है वाउच 365 की कूपन बुक्स, कराची, हैदराबाद, मुल्तान, भावलपुर, लाहौर, फैसलाबाद, एबटाबाद, पेशावर एंड सरगोधा के मेरे फैंस एंड व्यूअर्स, अगर जीतना चाहते हैं जल्दी से 8881 पे मुझे बताइए ऑथेंटिक पाकिस्तानी रेसिपीज़ के नाम। इसके अलावा हैंडी मीट मिंसर भी है एनिक्स की तरफ से। सो शाताज कुकिंग ऑयल गरम हो जाए तो आप इसमें प्याज शामिल कर दीजिए। आप जब बना रहे हो तो आप सारी चीज़ें एक साथ डाल दीजिएगा एंड लेट इट जस्ट बॉयल गोश्त के साथ, ठीक है। फिर आप उसको भूनिएगा अच्छी तरह एंड देन फिर आप आटा और पानी वो कर दीजिएगा। आई एम डूइंग दिस वे इसलिए कि गोश्त मैं बॉईल करके लेके आई हूँ हल्का सा। कॉलर हैं, हेलो जी, कैसी हैं जनाब? मैं ठीक हूँ जी, आप कैसी हैं जी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सर आपको खुश रखे, आबाद रखे। और मैं आपके क्वेश्चन उसका आंसर दूंगी क्वेश्चन का जी। चिकन सूप, वेजिटेबल सूप, देगी मुरा, फिर पाए, चिकन कढ़ाई, बीफ कढ़ाई, लाहौरी चरगा, पनीर गोल, तंदूरी चरगा, कीमा पुलाव, वेजिटेबल बिरयानी, चिकन कसूरी और कॉर्न सूप। बस 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 इतने सारे जी? ठीक है, आप लोगों ने बताई, हमने सीखी है तो लाजमी बात है, हमें तो नाम याद है ना, कुछ ना कुछ हमने आपको बता दिया। ओके, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। खुश रहे, कामयाबी अल्लाह दे आप सबको, आबाद रहे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, आपको भी थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ओके, प्याज को हल्का सा मुझे सुनहरा करना है एंड देन आई एड द रेस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स, सो आई हैव टू वेट। आज आराम से हम शो कर रहे हैं, भागा दौड़ी नहीं है, आज कोई बेकिंग का काम नहीं है जिसमें ज़रा इधर से उधर भाग रही होती है ना सेट पे, आज ज़रा सुकून से ऐसे भी होने चाहिए ना कुछ दिन कि जरनक भागे नहीं बहुत सारे। सो ऑथेंटिक पाकिस्तानी रेसिपीज़, बहुत दफ़ा बाहर के मुल्कों में हम जाते हैं तो बहुत सारे लोग हमें कुछ भी खिला देते हैं कह के दिस इज़ पाकिस्तानी, बट दैट्स नॉट करेक्ट बिकॉज दैट इज़ नॉट ऑथेंटिक पाकिस्तानी। तो इसलिए फिर पाकिस्तानी रेसिपीज़ को भी वो करना चाहिए ना, ज़्यादा आगे लाना चाहिए, बिकॉज हम दूसरी रेसिपीज़ खा लेते हैं ये समझ के कि वो एवरीथिंग इज़ पाकिस्तानी, बट नॉट रियली। ओके, सो प्याज हल्का सा सुनहरा हो गया, इस स्टेज पे यू हैव टू बी केयरफुल अदरवाइज प्याज जल जाता है। फिर आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और उसको अच्छी तरह सॉटे करिए, आँच थोड़ी कम कर लेते हैं। देन आप इसमें डालिए हल्दी, लाल मिर्चों का पाउडर और धनिया पाउडर एंड ऑफकोर्स नमक के लिए तो मैं दूसरे चम्मच यूज़ करती हूँ, नमक भी इसी में डाल देंगे और धनिया पाउडर, ठीक है। फिर आप इसको ज़रा हल्का सा भून लीजिए, थोड़ा सा पानी डाल दीजिए ताकि मसाले जले ना। और ये गोश्त जो है उसका सूप मैंने अलग रखा था, ये इसको अच्छी तरह मसालों में आप भूनिए और फिर आप लोग उसको ऑब्वियसली पकाएंगे, फुल डन करेंगे और फिर हम पानी और आटा इसमें डालेंगे, ठीक है। तो पानी तो मैं नहीं डालूंगी ना, मेरे पास यहाँ सूप है तो वही हम डाल देंगे। अब ये जो सूप था ये हम डाल देंगे इसमें, ठीक है। और इसी सूप में मैं ये जो आटा है मेरे पास होल व्हीट फ्लावर यानी के वो डाल के आधा कप को, बस ये आटा पानी ये जाएगा और ज़ीरा, काला ज़ीरा।
ठीक है। और क्रश करके हाथ से आप ऐसे करके इसमें ये काला जीरा डाल दें थोड़ा सा, दैट्स इट। बस कुन्ना आपका रेडी हो जाएगा। ठीक है, बस ये मैं रख देती हूँ सिमर होने के लिए थोड़े सा, और फिर हम आई थिंक रेसिपी रिकैप ब्रेक की।